हेलो स्टूडेंट उड़ान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका स्वागत करते हैं मैं पवन भमौरिया आज केमिस्ट्री की आईएमपी रिएक्शन लेकर आए हैं जो हमारे ट्वेल्थ और आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं हम ये जितनी भी रिएक्शन है ये नेम की रिएक्शन है और आपको अच्छे से समझ में आएगी और आसान रिएक्शन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है तो समझते हैं क्या होती है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने सिलेक्ट की है फर्स्ट जो रिएक्शन होगी हमारी वो है हाफमैन ब्रोमाइट तो पहले मैं आपको हाफमैन ब्रोमाइट समझाता हूं क्या होती है हाफमैन ब्रोमाइट और जब आपको समझ में आ जाए उसके बाद हम स्टेटमेंट देखेंगे क्या होता है जो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है उसमें हम अमाइड लेते हैं आर सी ओ एन एच टू ये अमाइड है इस एमाइड की रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन से एंड एल्कोहोलिक के ओ एच वेन एसिटामाइड अमाइड है आर के प्लेस पर अगर सी एच थ्री ले लें अमाइड जो है वो ब्रोमिन और के ओ एच से रिएक्ट करेगा अब रिएक्ट करेगा तो होगा क्या समझते हैं ये ओ एच कितने हैं तो यहां पर के ओ एच फोर है तो ओ OH एच भी कितने होंगे फोर ओ एच होंगे जो फोर ओ एच है तो यहां से एच टू ओ एस टू ओ टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्केप हो जाएंगे तो दो मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म होंगे टू के एंड टू बी आर तो हम राइट कर सकते ट्वाइस के बी आर तो हमको ट्वाइस के बी आर मिलेगा ट्वाइस एस टू ओ मिलेगा रिमेनिंग दो पोटेशियम वन कार्बन वन ऑक्सीजन टू एंड थ्री ऑक्सीजन टू पोटेशियम वन कार्बन थ्री ऑक्सीजन तो ये मिलकर बना लेते हैं के टू सीओ थ्री पोटेशियम कार्बोनेट ये तो बाय प्रोडक्ट है टू के टू बी आर ट्वाइस के बी आर ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच फोर टाइम ओ एच है उसमें से टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्केप हो जाएंगे टू के वन सीओ एंड टू ओ के टू सीओ थ्री बाहर होगा अब हमारे पास रिमेनिंग होगा आर एन एच टू प्राइमरी एमिन इज फॉर्मड इन दिस रिए कैन गॉट प्राइमरी एमिन वे में एक बार राइट करते हैं थोड़ा सा हौच -पोच हो गया है। तो देखते हैं क्या होगा वेन आर सीओ एन एच टू एसिटामाइट इज रिए विध ब्रोमिन एंड एल्कोहलिक के ओ एच देन क्या बताया मैंने टू के टू बी आर ट्वाइस के बी आर फोर ओ एच में से ट्वाइस एच टू ओ रिमेनिंग टू के वन सी ओ एंड टू ओ के टू थ्री बार होगा और आर एन एच टू प्राइमरी एमिन इज फॉर्मड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आर के प्लेस पर अगर हम सी एस राइट कर देन इट इज कॉल्ड एसिटामाइट एसिटामाइट पूरी रिएक्शन सिमिलर होगी बस आर के प्लेस पर अल्काइल मूलक आ गया है अल्काइल रेडिकल आ गया है अल्काइल मूलक मैथिल ग्रुप है यहां पर आ जाएगा मैथिल एमिन बाकी बाय प्रोडक्ट सेम रहेंगे तो यही लिखा है वेन एसिटामाइट ये है एसिटामाइट एसिटामाइट इज हीटेड विद ब्रोमिन एंड एल्कोहोलिक के ओ एच मैथिले लिखा है मस्टर्ड आइल रिएक्शन मस्टर्डायल रिएक्शन की बात करते हैं हम प्राइमरी एमीन है आर एन एच टू प्राइमरी एमीन जो है उसकी रिएक्शन होती है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ सी एस टू के साथ सी एस टू को कुछ हम इस टाइप से राइट करते डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस ये है कार्बन डाइसल्फाइड प्राइमरी एमीन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करता है ठीक है तो हम राइट करते आर एन एच टू रिएक्ट विथ कार्बन डायसल्फाइड ठीक है एक बाय प्रोडक्ट बनेगा बीच में एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा कैसे देखिए यहां से सी और एच के सी और एस के बीच का एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वहां पर आर एन एच एस C डबल बॉन्ड S यहां से जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास से हाइड्रोजन रिलीज होगा वो आ जाएगा सल्फर से यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो इसकी बैलेंसी फ्री हुई यहाँ से कार्बन रिल कार्बन और सल्फर के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों की बैलेंसी फ्री हुई सल्फर के साथ तो हाइड्रोजन आ गया कार्बन क्या करेगा बॉन्डिंग कर लेगा नाइट्रोजन से इस टाइप का एक कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट इसकी रिएक्शन होती है एच जी सी एल टू से एक्टर एच जी सी एल टू मर्क्यूरिक क्लोराइड जब मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिएक्शन होगी तो देखिए क्या होगा समझते एच टू एच एंड टू सी एल यह बनाएंगे ट्वाइज एच सी एल ट्वाइज एच सी एल ठीक है ये एच जी जो है ये जाएगा इस सल्फर के साथ ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो सल्फर और एच जी फॉर्म होगा एच जी एस टू एच टू सी एल एच सी एल सल्फर एंड एच जी एच जी एस फॉर्म करेंगे अब क्या हुआ इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई यहां से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन गया इसकी भी वैलेंसी फ्री हुई अब देखिए बेटा आर है आर के साथ एन है इधर सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ सल्फर है यहां से क्या गया एस एच यहां से क्या गया एच इनकी दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे ये है एल्किल आइसो एल्किल एलकिल आइसो और इसकी जो स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है इसलिए रिएक्शन को हम बोलते हैं मस्टर्ड रिएक्शन हमको जो मेन प्रोडक्ट पूछा जाता है वो यही आपसे पूछा जाता है मस्टर्ड आइल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है तो प्रोडक्ट क्या होगा एल्किल आर मतलब एल्काइल एनसी मतलब आइसोसाइनाइड अगर सल्फर आ जाए एक्चुअल में ऑक्सीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट लेकिन ऑक्सीजन के प्लेस पर सल्फर आ जाए तो टर्म होगी थायोसाइनेट इट इज कॉल्ड एल्किल आइसोथायोसाइनेट बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड आइल रिएक्शन एंड दैट इज एल्किल आइसोथायोसाइनेट हम अगर आर के प्लेस पर सी टू एच फाइव ले लेंगे तो यहां पर सी टू एच फाइव आएगा बाकी तो वही होगा एथिलेमिन यहां पर भी क्या आ जाएगा सी टू एच फाइव कोई चेंज नहीं होगा सी टू एच फाइव एस एच सी डबल बॉन्ड एस और यहां पर आर जो है उसके प्लेस पर क्या आ जाएगा सी टू एच फाइव एंड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस एथिल आइसोथायोसाइनेट ये जो लिखा है वेन एथिल एम इज हिटेड विथ सी एस टू एंड एच जी सी एल टू एथिल आइसोथायोसाइनेट ये टर्म याद रखना है एथिल आइसोथायोसाइनेट इज फॉर्म शन इट इज ऑल्सो अ मोस्ट आई एम पी रिएक्शन गैब्रियल थे थोड़ी सी टफ रिएक्शन मानी जाती है तो हम डिस्कस करते हैं देखिए मैं इस रिएक्शन को समझाने के पहले कुछ अलग चीज समझा रहा हूं समझते हैं आर सी ओ एच इट इज अ कार्बोक्सलिक एसिड वेन कार्बोक्सलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया अमोनिया इज एनएच थ्री एसिड अमोनिया से रिएक्ट करता है यहाँ पर ओ एच है और यहाँ एच एच ओ एच वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और ओ एच के प्लेस पर रिमेनिंग एन एच टू ग्रुप आ जाएगा देन आर सी ओ एन एच टू इस फॉर्म एनएस टू इट इज कॉल्ड एसिटामाइड एसिड का अमाइड ये अब ये अमाइड एसिड का यह आपको याद रखना है आर सी ओ एन एच टू इजा एसिटामाइट अब बेंजिन रिंग है हमारे पास इट इज अ बेंजिन रिंग इस बेंजिन रिंग पर अगर सी ओ ओ ए जाता है देन बेंजोइक एसिड इट कॉल्ड बेंजोइक एसिड। अगर टू ग्रुप आ जाए आर्थो पोजिशन पर देन इट इज थैलिक एसिड और इस थैलिक एसिड की रिएक्शन में कराता हूं अमोनिया से। सेम कहानी रिपीट होगी यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर अब ये सीओ किससे बॉन्डिंग करेगा नाइट्रोजन से ये सीओ मतलब कार्बन बॉन्डिंग किससे करेगा नाइट्रोजन से तो यहां पर इस टाइप का बॉन्ड आ जाएगा मैं इसको क्लियर बनाता हूं देखिए क्या बोल रहा हूं मैं इस प्लेस पर सीओ इस प्लेस पर सीओ एन एन एच होना चाहिए इट इज थैलेमाइड थैलिक एसिड का अमाइड है थैलेमाइड अब इस एच के प्लेस पर अगर के को हम रख देते इड तो गैबरेल है वो स्टार्ट यहां से होती है पोटेशियम थेलेमा जो है वो रिएक्ट करता है सी टू एच फाइव आई के साथ पोटेशियम थैलेमाइड रिएक्ट विथ एथिल आयोडाइड एथिल आयोडाइड से रिएक्ट करेगा एथिल आयोडाइड से रिएक्ट करेगा यहां से के और आई के आई बाहर हो जाएगा और के के प्लेस पर क्या आ जाएगा सी टू एच फाइव कुछ इस टाइप का सबस्टेंट फॉर्म होगा CO CO N C2H5 एन सी टू एच फाइव इट इज कॉल्ड पोटेशियम थेलामाइड एंड दिस वन इज कॉल्ड एथिल थेलेमाइड इस फॉर्म अब हम क्या करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्ट कराना है इसको वाटर से ब्रेक करेंगे देखो जरा बहुत इजी रिएक्शन है ये ब्रेक ये ब्रेक इस नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन क्या फॉर्म होगा सी टू एच फाइव एन एच टू और यहां पर CO के साथ क्या आएगा ओ OH एच इस सीओ के साथ भी क्या आ जाएगा ओ एच OH. में बाय प्रोडक्ट मतलब नीचे लिखता हूं जो प्रोडक्ट बनेगा एक तो हमको मिलेगा सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव एंड एच टू प्राइमरी एमिन इज फॉर्म्ड प्लस बेंजिन रिंग रहेगी और रिंग पर सीओ तो है उसके साथ आ जाएगा ओ OH, एच यहां भी आ जाएगा ओ OH. एच दिस रिएशन इज़ कॉल्ड गैब्रियल थेलामाइट रिएक्शन तो ये इसके थ्रू हम प्राइमरी एमिन को फॉर्म कर सकते हैं मैं एक बार क्लियर रिएक्शन फिर से राइट करके बताता हूँ आपको जितनी बार हम इसको क्लियर लिखेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा तो क्लियर एक बार हमारी रिपीट भी हो जाएगी हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में सब कुछ आ जाए देखिए ये है बेंजी यहां पर सी ओ इधर सी ओ और यहां आ जाए एन एन के साथ आएगा के पोटेशियम थेलेमाइट रिएक्ट विथ सी टू एच फाइव आई एथिल आयोडाइड देन के आई माइनस के आई के आई बाहर अब हमको मिलेगा एथिल थेलेमाइट सी ओ सी ओ एन सी टू एच फाइव ओके हाइड्रोलिसिस एच ओ एच एच ओ एच ये ब्रेक होगा ये भी ब्रेक होगा यहां से क्या आ जाएगा सी टू एच फाइव एन एन एच टू तो सी टू एच फाइव एन एच टू प्लस ये जो सी इसके साथ क्या आ जाएगा ओ एच सी के साथ क्या आ जाएगा ओ OH. एच तो हमको बाय प्रोडक्ट मिलेगा थैलिक एसिड वेन पोटेशियम थैलेमाइड रिएक्ट विथ सी टू एच फाइव आई देन इथेल थेलेमाइड इज ऑपटेड एथेल थे ऑप्टेंड विच आर नाइड्रोलिस गिव एथिलेमिन वन इज अथिलेमिन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं डायजोटेशन डायजोटेशन में क्या है ये जो डायजोटेशन है इसके थ्रू बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है हम मैं यहां रिएक्शन लिखता हूं एच फाइव सी सिक्स एच फाइव एन एच टू हम एनिलीन लेंगे और एनिलीन को रिएक्ट करते हैं एस सी एल एंड एन एनओ टू के साथ टेम्परेचर होता है जीरो टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड और ऐसा होने से डायजोनियम क्लोराइड इज फॉर्मड अब ये रिएक्शन जो है दो स्टेप में कंप्लीट होती है पहली का हम रिएक्शन देखते फर्स्ट स्टेप में एन टू रिएक्ट विथ एच सी एल ये होती है जीरो टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां से क्या होगा ये सी एल एन 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 ए सी एल और आ जाएगा एच एन ओ टू तो मुझे मिलेगा नाइट्रस एसिड एंड एन ए सी एल ये तो बहुत इजी है एन ए सी एल बचपन का पार एन ए सी एल एन एर सी एल और यहां से एच और एनओ टू नाइट्रस एसिड इज फॉर्म अब वो जो सी सिक्स एस एच फाइव टू है एनिलीन है वो रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड से नाइट्रस एसिड को हम लिखते हैं एच ओ एन ओ क्या लिखते हैं हम एच ओ एन ओ तो जस्ट अपोजिट लिखूंगा मैं एच ओ एन ओ प्लस एस सी एल क्योंकि सॉल्यूशन में HCl सी एल है तो वो भी प्रेजेंट रहेगा जीरो मतलब टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब फर्स्ट स्टेप में एन एन ओ HNO2 और एस सी एल एनिलीन से अब देखिए क्या होगा थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लें तो आपको समझ में आएगा यहां से H2 टू एंड ओ एस टू ओ बार यहां से ओ एच एंड एच अगेन एच टू ओ बार इस नाइट्रोजन की टू वैलेंसी फ्री हुई इसकी भी टू फ्री हुई है क्योंकि यहां से ऑक्सीजन गया ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ से ओएच OH गया नाइट्रोजन की वन वैलेंसी फ्री क्लोरीन से हाइड्रोजन गया क्लोरीन की वन वैलेंसी फ्री नाइट्रोजन क्लोरीन क्या बनाएंगे सिंगल बॉन्ड देखो क्या बोल रहा हूँ सी सिक्स एच फाइव एन डबल बॉन्ड एन एंड सी एल ये दोनों नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये नाइट्रोजन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और प्लस में आ जाएगा डायजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटेशन मोस्ट टाइम रिएक्शन है आपसे पूछी जाती है तो आप इसमें ये दोनों स्टेप लिखेंगे ये अकेली नहीं लिखेंगे आपको ये दोनों लिखना है फर्स्ट एन एनओ टू और एच सी एल रिएट करेगा एच एनओ टू एंड एन एस सी एल बनाएगा और सी सिक्स एच फाइव एन एच टू एच ओ एन मतलब एच ओ एन ओ नाइट्रस एसिड और एच सी एल से रिएक्ट करता है यहाँ से टू एच टू और ओ एच टू बाहर ओ एच और एच एच टू बाहर ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा ये नाइट्रोजन क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इस फॉर्म थैंक यू हमारा ये जो आज की चार अभिक्रियाएं जो रिएक्शन बताई ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगले वीडियो में हम नई अगली चार रिएक्शन लेकर हाजिर होते हैं थैंक यू